बीडीई न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये जो जिसकी मतलब हिंदुस्तान में या पूरे महाराष्ट्र में उनको जानते हैं, ईडी और सीबीआई को माध्यम बनाकर बाकी पार्टियों के लीडर को टारगेट बनाकर कुछ तो भी ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाने का गोरख धंधा क्रेडिट सोमया का है। अब इनके पाप सामने आ रहे हैं, इनकी जो मनोवृत्ति है ये कलंकित है, ये महाराष्ट्र द्रोही है, और इनका काम ही है कि किसी को ब्लैकमेल करके अपना शौक पूरा करना। और ऐसे आदमी को तो ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि दोबारा ये हरकत ना कर सके। ऐसे अश्लील वीडियो जो इनके आए हुए हैं, ये समाज के लिए बहुत घातक है और युवा पीढ़ी के लिए घातक है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा भी सामने आया है। ये हम इस किरीट सोमय का भंडारा जिला के तरफ से हम निषेध करते हैं। ये इस महाराष्ट्र के गृह मंत्री का भी निषेध करते हैं। आज भंडारे शहर के अंदर में अनेक प्रकार के जुआघर चालू है, सट्टे चालू है, हर पान ठेले में बैठ रहे हैं। तुम्हारे बड़े बाजार के अंदर में वहाँ पे तो खुलेआम दारू पीना चालू है, ऐसे खुलेआम रास्ते पे दारू पीते हैं। ये सब चीजें हो रही है, ये सब गृह मंत्री की नाकाम जो है उसके वजह से ये सब चीजें हो रहे हैं। और हमारा कहना है कि अगर उनको पद संभाल के नहीं होता होगा तो उन्होंने राजीनामा देना चाहिए पद का। बिल्कुल हम आवाज उठाएंगे और हम पहले से ही आवाज उठाते आ रहे हैं। हमारे कोई धंधे गलत नहीं है, हम तो सीधे काश्तकार के लड़के हैं। अरे जहाँ गलत होगा, जहाँ होगा वहाँ शिवसेना आएगी, सीधी सी बात है। बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि कल जैसे हमको फोन आए कि ऐसे हुआ है और आंदोलन लेना है, वैसे पूनम खंड ने टीवी चैनल लगाए और जो क्लिप वायरल हो रही थी वो घर में पति के सामने नहीं दिख पा रहे थे, तो बच्चों के सामने क्या दिख पाए। और उसमें इतनी गंदी और इतनी अश्लील मतलब उनकी जो हाव-भाव जो है, जो कुछ उसमें से समझ में आ रहा है। अभी कुछ उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया कि मैंने किसी महिला के ऊपर अत्याचार नहीं किया, लेकिन आप खुद नंगे हो दिख रहा है पूरी दुनिया में। बीडीई न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।